वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदीद। और गर्मियां हैं शदीद, खवातीन हैं परेशान, और वो क्यों ना हो, गर्मी में कुकिंग, रोटियां, उफ मेरे खुदाया, दावतें, तो फिर यहाँ से पसीने और यहाँ से और गर्मी और मचलन, इचिंग, खारिश, दाने, एक तकलीफ का सबब खवातीन को फेस करना पड़ता है। और जो ये फेस है ना, और फिर उसके बाद अगर कहीं शादी में जाना है और तकरीबात हैं, तो अच्छा लगना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हम किचन में जाते हैं, ये जो जैसे हीट स्ट्रोक होता है, आउटडोर जाना होता है, तो आपके स्किन के पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। फिर आपके आप ऑफकोर्स जब आप कपड़े वेयर करते हैं, शादियों में जाते हैं, एक अजीब सी स्मेल आपसे आ रही होती है, और घर में भी आपने देखा होगा बिजली भी जा रही है। तो ये एक ऐसी अंदर की कुछ खवातीन में अंदर या मर्द हज़रात में एक इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती है, जिसकी वजह से हमारे जो है आर्म के नीचे या हमारे पेट के इधर उधर लेग्स में पसीना आता है, हाथों में भी पसीना आता है, तो स्मेल आती है। तो हम कहीं बैठते हैं तो हमें फील होता है कि यार हम हमारे कपड़ों से या हमारे जिस्म से बदबू ना आए। मैं क्लियर बता रही हूँ। आज हम ये खूबसूरती पे बात करेंगे, ब्यूटी पे बात करेंगे, और ये जो स्किन से रेलिवेंट डिजीज़ है या आपके जिल्द से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब इस तरह की बात होती है, तो हमें ऑफकोर्स ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी नॉलेज बहुत ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा हो, और इसे हम सीनियरिटी में भी कहते हैं। और जब मैं फ्राइडे में जब मेरे जो स्पेशल हकीम साहब आते हैं, तो ये एक हकीम नहीं है, बल्कि इनकी नॉलेज जो है वो हज़ारों साल की है। वो कैसे, क्योंकि 11 पुश्तों को लेके चल रहे हैं, इनके दादा पर दादा, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, तो ये एक तसलसल चला है। ये मुसलसल माशाल्लाह अपने एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो तिब्बे नबवी में जिनका एक बड़ा नाम है। और जो जब इस तरह की बात की जाती है, हिकमत की बात की जाती है, और उन्होंने उन लोगों का भी इलाज किया है जो जब मलका है विक्टोरिया या बरतानिया या बादशाहों की मलकाएँ हो, ये बड़ी बात होती है, उन लोगों की एक बड़ी एक सीक्वेंस चली है। और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी फैमिली की एक तिब्बी घराने से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने उसको लेके चले, ये बड़ी बात है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हकीम साहब? अल्लाह की रहमत है, माशाल्लाह, एक फुल ऑफ नॉलेज, हजारों साल की, मैं ये कहूंगी दिनों की नहीं, हजारों साल की। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। और फिर ये कि नॉलेज तो, इल्म तो एक समंदर है, और इसको ये नहीं समझे कि मैं भी बहुत बहुत बड़ा हकीम हूँ, मैं अपने आप को भी ऐसे ही समझता हूँ, एक शागिर्द हूँ तिब का। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि वाकई ये कि हर शख्स को खूबसूरत, हसीन, जवान रहने का एक शौक है, आदत है, उसकी ख्वाहिश है, और आदमी की मजबूरी ख्वाहिश ताकतवर तरीन बनना, खुश खूबसूरत बनना, ये उसका हक भी है। अल्लाहुल जमील वाहिबु जमाल, अल्लाह हसीन है, हुसन को पसंद करता है। आए, आए, सही बात, बिल्कुल। गर्मियाँ वाकई बहुत जल्दी मरस इस पे पैदा हो रहे हैं, कि झाइयाँ, दाग, धब्बे, झुरियाँ, एक्जीमा और चंबल जिसे कहते हैं, और बर्स है, ये बहुत सारी बीमारियाँ, प्रॉब्लम जो हैं वो अमूमन जो है जल्दी हवालों से ये गर्मियों में भी पैदा होती हैं। सोराइसिस सर्दियों में भी बढ़ जाता है, गर्मियों में भी इस पाँच लोगों का इसमें इजाफा होता है। तो जल्द के हिफाजत के लिए तो बहुत सारे टोटके हमें YouTube पे भी नज़र आते हैं, कि जो लोग इस्तेमाल करके पशमा भी होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल ठीक है, अजियत में मुबतला हो जाते हैं, जैसे ही वो YouTube पे देखते हैं कोई आया नुस्खा, फौरन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके इमराज में न सिर्फ अजाफा हो जाता है बल्कि अजियत में मुबतला हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा है कि कहते दाना से ना पूछ तजर्बाकार से, दाना से ना पूछ तजर्बेकार से। जी हाँ, तो ये कि वो ट्यूब पे यूट्यूब पे जो कुछ ऐसे नाबालिग लोग होते हैं जो सिर्फ एक पढ़ लेते हैं और उस पर फौरन अपनी वायरल कर देते हैं, तो ये चीज़ें जो है पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज़ तजर्बाती मराहिल से गुजरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और फिर ये कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फवाइद और ऐसी चीज़ें जो आपको कतन नुकसान ना देती हों, ये हमारा मौजू है आज के जल्दी मराज।
बिल्कुल, आज हम स्किन की डिजीज पे बात करें, जल्दी अमराज भी उसमें ही काउंट करते हैं और स्किन को ब्यूटी इनहेंस करना भी हम कहेंगे, तो अभी इसमें सब चीज़ें काउंट करती है। ऑफ कोर्स हमारे स्किन में, जैसे उन्होंने कहा, स्किन जिल्द से रिलेवेंट एक्जिमा है या दाग धब्बे या स्किन पे पैचेस पड़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहें तो हमें सवाल भी कर सकते हैं। वैसे तो हमने कोशिश करेंगे कि हम आपको सारी नॉलेज दे सकें। जी हकीम साहब बताएं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बताएं कि अभी जैसे गर्मी है तो पित निकलती है, और जैसे कुछ लोग कहते हैं आम खाना छोड़ दो, अरे ये क्या सोल्यूशन है? अल्लाह पाक ने तो बकवाल आपके के फल ही उसी सीजन के मुताबिक दिए, फिर क्यों छोड़ दें? निमल बदल है बिल्कुल। और आम अगर खा रहे हैं तो आम को हम कहते हैं कि उसके साथ आप दूध का इस्तेमाल करें, मिल्क शेक बनाए या कच्ची लस्सी बना के आम के साथ उसको बिल्कुल। देखिए चीज ये कि बैलेंस बॉडी को करना बहुत जरूरी होता है, और इसी तरह बहुत सारे फल हैं जो इस वक्त आड़ू है, आड़ू भी इस मौसम का बेहतरीन फल है जो आपको हसीन भी बनाता है, खूबसूरत बनाता है, आपको गिर गिर जो हल्के हैं उनको ख़त्म करता है, खून पैदा करता है और फिर आपके अंदर एनर्जी पैदा करता क्या है। और इसी तरह आजकल एक सब्जी है जिसे हम करेला कहते हैं जिसे हम करेला कहते हैं, नीम चढ़ा करेला, नीम चढ़ा जी हाँ, इतने बुरे ऐसे करेंगे, एक करेला नहीं एक सब्जी एक करेला है और उसका नाम है नीम चढ़ा। तो ये करेला जो है ये इसकी सब्जियां, ये इसका पानी, इसकी सब्जी बहुत इस्तेमाल की जाती है, शुगर के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर खून को ये साफ करता है, खून के खुलियात में जो है वो टॉक्सिन्स को निकालता है, आपका कलर बेहतर करता है और एक्जिमा या पिंपल्स में जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर है, जो जिस्म में बदबू आती है अगर करेले का पानी का इस्तेमाल आप करते रहें तो ये स्मेल भी आपकी जिस्म से कम होना शुरू हो बिल्कुल जाती है। ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल करता है, बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को निकालता है बिल्कुल। तो ये वो सब्जियां हैं कि जो आप घर में अमूमन इस्तेमाल करते हैं okay. इसी तरह करेले का जो है जो छिलका उसका मैश कर लें और उसको स्किन पर लगाइए, वो आपके लिए स्किन के लिए बहुत लाजवाब है कि आपकी पिंपल्स वगैरह जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, दाग खत्म होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन बात यह है कि उम्र कम दिखाई देना, आए हाय क्या बात है, कम के जीती 40 साल की उम्र, अच्छा लिंक अभी देते हैं, गुफ्तगु बड़ी इम्पोर्टेंट है, 40 साल की उम्र में खवातीन को खासतौर पर फील होने लगता है कि हमारी एज रुक जाए, महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो बुढ़ापे की तरफ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और बात तो ऐसे है कि वो 25-30 साल की उम्र में भी 40-45 के टेंशन से बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसकी वजह ये है कि वजन बढ़ जाना बिल्कुल ठीक है, कम उम्र खवातीन जो है वजन बढ़ जाने से अच्छी खासी उम्र की नकती है बिल्कुल ठीक है, और मोटापा जो है वो आपके वजन उम्र को भी कम कर देता है। बहुत अच्छी है, इस तरफ खास तौर पे ध्यान कीजिए, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज, आपकी वॉक और इसी तरीके से आपका जो है लंबे सजदे करना, जैसा कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने कहा है कि लंबे सजदे, हदीस नबवी है सुभान, कि लंबे सजदे जो है वो इंसान के चेहरे को नूर बख्शती है, रौनक बख्शती है, हाफजा तेज़ करती है, नज़र यानी बिनाई उससे तेज़ होती है, आईक्यू बेहतर होता है, यानी मेमोरी जो है वो आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, और ये तो वो चीज़ें हैं और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बयान के लिए अल्फाज नहीं। यही तो इनकी क्वालिटी है कीन साहब की, एक तो माशाल्लाह हिकमत की भी बात करते हैं और फिर तिब नबी की बात करते हैं, ये बड़ी बात होती है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक खूबसूरत एक वर्ड्स ऐड कर देते हैं तो और अच्छा लगता है कि वाकई में सजदे में ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाती है, लाजमी बात है कि वो से ये एक फिर पांच वक्त जब हम वजू करते हैं नफासत सफाई पाकीज़गी तहारत, ये एहसास जो है ये आपको अंदर से आपको टॉक्सिन्स वगैरह निकालता है, आपको पाकीज़गी की तरफ लेकर आता है, सफाई की तरफ लेकर आता है, और यूँ जो है ये पाँच वक्त नमाज का औकात में जब आप वजू करते हैं सजदा रुकू में जाते हैं तो इससे आपके लिए जो है ये इल्ला बे ज़िक्र इल्ला तदमीर क़ल्ब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को ताकत मिलती है, कल्ब वसी होते हैं। और फिर आप एक और चीज़ देखिए, मैं आपको जो जुज़ बताता हूँ कि चेहरे पे झुरियाँ झाइयाँ हल्के, ये बड़ी वजूहत जो हैं, रात को जागना, मोबाइल्स का इस्तेमाल, कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठना, तबाही समझे, हसद,
बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत लगाना, साजिशें करने वाले लोगों के आप देखते हैं चेहरों पे वो नरमाई नहीं होती, वो रौनक नहीं होती, वो बड़े करख्त और बड़े शैतानी किस्म के चेहरे बन जाते हैं। आदमी माफ करने वाला बने, नींद पूरी ले और अल्लाह के जिक्र को दिल में रखे, इंसानों से मोहब्बत करे। ये चीजें हैं कि जो आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पर तवानाई और आपको एहसास दें कि आप जवानी की तरफ कैसे आएंगे। ये राज है नाज़रीन जवानी की तरफ आने के। आप लोग बिल्कुल अटेंशन हो जाए कि जो है ना कीम अस्करी साहब जो हैं वो अब बहुत सारे राज अफशा करने वाले ब्यूटी से रहे हैं। आपकी स्किन और ये ना जवानी बाबी ये बड़ी बात होती है। जी जी हाँ जी हाँ, वो असल में जवानी को वहाँ ढूंढते हैं कि जहाँ खो जाती है। आए, आए, आए। बट तेरे खूबसूरत शराबों के बहरम जो धारों में खो गई है जवानी, गई थी चढ़ाने वहाँ फूल लेकिन हजारों पे खो गई है जवानी। आए, आए, जवानी कुछ ऐसी पागल नहीं थी मगर इसकी जो आजू थी हंसी थी, तेरे खूबसूरत शराबों के बहरम धारों में खो गई। क्या बात है, कितने अच्छे। देखिए ये मल्टी टैलेंटेड बंदे। अच्छा बात ये कि वो राज, ये मुझे बताइए प्रेशर पॉइंट की, मुझे थोड़ा सा जी राज जी बता रहे ना, मैं उसी तरफ राज बता दें, उसी तरफ आ रहा हूँ। जी जी कि ये नाज़रीन एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हम स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको एको टेजर यानी उर्दू में इसको कहते हैं जादूगर सैया। ले आया आप जादूगर। ये हम पूरे प्रेशियस पॉइंट्स पे देते हैं, इसको इसको डिटेक्ट करते हैं जिससे ये बायो सर्कुलेशन फेस की जो है। अच्छा आप एक जगह रखेंगे तो वो कैमरा कैप्चर करेगा ना, तो अपने हाथ में जहाँ रखेंगे मूव करेंगे तो फिर नहीं स्टिल आएगी। ये इसमें स्किन का है, बॉक्स उठा लें, आप बॉक्स उठा लें अपने पास। जी हाँ, इससे ज्यादा बेहतर है, आपके पास आ जाएगा। यस, ये इसमें हम पॉइंट्स का डिटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से स्किन के हवाले से भी इसमें ये हम स्किन का लगाते हैं इसमें है। और स्किन के लगाने के बाद ये देखिए नाज़रीन, ये निकला और ये स्किन पर इसका वो लग गया। अच्छा, और ये स्किन पर जो है डिटेक्ट बाकायदे तौर पे आपके स्किन को करेगा और आपकी फाइन लाइंस जो हैं इनको कवर करेगा, आपके रिंकल्स को, इसी तरीके से आपके ब्लैक डॉट्स को भी कवर करेगा स्किन की। अच्छा, कुछ यूज करके ऐसे डायरेक्ट लगाना है इसको, कोई आपने पहले कोई क्रीम वगैरह चेहरे पे लगा के? हाँ, वो मैं बताऊंगा कि वो हम क्या क्या लगाते हैं इसमें। पहले स्टार्ट में हमने ये कहा कि ये एक वो है जो आपको आपकी जिल्द की झुरियां, झाइयां, दाग धब्बों को हम बाकायदा तौर पर, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और इंसान बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है इंसान के अंदर कि जो उससे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो ये एक इसको समझना और इसको इस्तेमाल करना हर आदमी के बस में नहीं होता, इसके लिए बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग्स होती हैं। मैंने इसमें बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है, 18-19 साल अमेरिका में रहा, वहाँ पर मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में बाकायदा एजुकेट किया है डॉक्टर्स को। बेशक, आई नो। तो ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें अमेजिंग बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी आपने जिक्र किया था कि जिस्म में पर जो है जो असरात होते हैं पसीने के, जहाँ रैशेस पड़ जाती हैं और फंगस हो जाती है और इसी तरीके से जो है ये नाज़रीन ये देखिएगा, ये है इसको कहते हैं फेमिनाइन। ठीक है, ये इससे दिन में 3 से 4 मरतबा नहाएं, आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, आपके पोर्स जो हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, आपकी जल्द जवान हो जाएगी, होना शुरू हो जाएगी और इसी तरह आपकी बॉडी से जो जो बगलों में या थाइस में ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, उंगलियों के पास पोर्स होते हैं जो यहाँ पर हो जाती है, एल्बोज पे हो जाती है, घुटनों पे होती है, तो ये उनको ख़त्म कर देती है। स्किन कलर जो है वो आपका जो मल्टी कलर है उसको एक कलर में ले आती है। जबरदस्त। तो ये फीमेल के लिए है, ये हमारे पास जो है मस्कुलाइन है, ये मेल्स के लिए है। ठीक है।
और ये इसका यानी कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, मगर ये एक बोतल आपको एक डेढ़ महीना बहुत आराम से पूरी गर्मी में भी गुजर जाएगी। और ये नहाने के बाद इतना फ्रेश हो जाता है आदमी कि उसको थकावट का एहसास भी कम होना शुरू हो जाता है। बड़ा खूबसूरत अरोमा, बड़ा प्यारा सा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बड़ा जैसे मिंट नहीं होता, पुदीना ऐसा खुशबू से। और फिर फेमिनाइन का एक और फंक्शन ये भी है कि जो वजाइनल में फंगस फंकल वो हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उसको भी खत्म करता है। पाइल्स के मरीजों के लिए फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों मेल फीमेल का है, जबरदस्त। पाइल्स के मरीज जो हैं इससे बड़ा सुकून हासिल करते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन जिन्हें बहुत ज़्यादा रहता है, अजाबत वाली जगह पर लगाए तो कॉन्स्टिपेशन खत्म होना शुरू हो जाता है, यानी वहाँ जो स्वेलिंग और वर्म और इन्फेक्टेड एरिया होता है ना, वो बाकायदा तौर पर नॉर्मल हो। अच्छा, नॉर्मल ऐसे अपने हाथ पे लगा के करते हैं या किसी टिश्यू पे भी या कॉटन, किस तरह लगा? जस्ट उंगली से आप लगा सकते हैं आराम से, बड़े यानी कि जहाँ पर आपको तकलीफ है, जैसे जिनको पाइल्स है तो उसमें मसाज करें, बस जस्ट लगा दें, जस्ट लगा लें और रात सोते वक्त लगाएं, सुबह देखिएगा कजाबत भी नॉर्मल होगी, आपकी तकलीफ भी कम होना शुरू हो जाएगी और यूं एक महीना भर में आपके बहुत सारे इमराज जो हैं वो ये जिल्द के लिए सब इंटेक नहीं, ये अपनी स्किन के ऊपर लगाने, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नेगेटिव आयन मौजूद है और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के तहत तैयार हुआ है। ओके, अब मैं आपको पास आता हूँ। ये है, अब हुसन के चेहरे की बात है, ये हमारा सोप है, ठीक है, ये अस्करी सोप है, मैजिक सोप है। इसको चेहरे पे मुंह धोकर लगाएं, चेहरे पे यानी मुंह पे पानी डालें और इसको चेहरे पर दोनों तरफ से पूरे चेहरे पे उसको रब करने के बाद और इसको अच्छी तरह मसाज करके रोक दें। जब आपका ये 5 से 10 मिनट जो है आप इसको मसाज करके रोक देंगी तो उसके बाद जब फेस वॉश करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसके असरात फौरी तौर पर महसूस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चेहरे पे सोप या साबुन नहीं लगाना चाहिए और आप रेकमेंड करें, लेकिन इसमें क्या खास है, इसमें हर्ब्स हैं क्या है? हाँ जी हाँ, इसमें ना सिर्फ हर्ब्स हैं बल्कि इसमें हुसन पैदा करने वाले वो अज्जा मौजूद हैं जिसमें जिससे जो है वो आपकी बायो सर्कुलेशन भी बेहतर होती है। मल्टी कलर जो है कि माथे का रंग और है, आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए हैं, चेहरे पर चार रंग नजर आते हैं, सही बात है, पैचेस वगैरह, जी हां जी, पैचेस होते हैं, तो उसको कवर करना शुरू कर देता है, नॉर्मल करता है, ठीक है। और यूं स्किन जो है वो आपकी बाकायदा ग्लेज भी हो जाएगी उस, और हर किस्म की स्किन के लिए लाजवाब है, ठीक है, गुड। अब मैं आता हूँ नाज़रीन मैजिक क्रीम। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जादू आ गया, नायाब नायाब करीम है। अल्लाह इसकी बॉटल कितनी। और ये करीम जो है ये आपको फौरी तौर पे इसके 15 से 20 सेकंड में असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये आपकी आर्टरी पे, मेन आर्टरी पे लगाएं, ठीक है, फेस पे लगाएं, ठीक है, और फौरी तौर पर इसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। एक केमिकल तो नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में जो है वो ब्लीच कॉन्सेप्ट है, इसलिए नहीं, ये टोटल हर्बल फार्मूला है और इसको बाकायदा तौर पर ये FDA ने रिकमेंड भी किया है, दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मेरी बाहर ममालिक में जाती है। ओके, और ये जो है एक ऐसी करीम है जो आपके रिंकल्स, पिंपल्स, स्किन लूजिंग, ब्लैक डॉट्स, एक्जिमा, सोराइसिस, ओके, इवन के कैंसर के मरीजों तक भी हमने इस्तेमाल किया। और इसको हम ओपन करके दिखा सकते हैं, आप देखें इसको खोल के दिखा। हाँ नहीं, ये पैक है। अच्छा, पैक है, पैक है, ठीक। मैं किसी वक्त में ओके, नेक्स्ट टाइम पे फिर हम इसको ओपन करके दिखा भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको फौरन लगाने के कितने मिनट के बाद आप बताया कि इसके रिजल्ट 15-20 सेकंड में इसके असरात आना शुरू हो जाते हैं फौरन चेहरे पे इसके। यानी आपको नॉर्मल रात को सोते हुए लगाएंगे या कहीं जाने से पहले, किस तरीके से लगाएं? ये रात को और सुबह नहा के लगाएं, रात सोते वक्त लगा ले, रेगुलर लगाना, रेगुलर लगा ले। और इससे जो है आपका उम्र में आपको 8 से 10 साल आप पीछे चले जाएंगे। अच्छा, इसको मसाज करना है जस्ट ओनली नॉर्मल लगाना है, एक इम्पोर्टेंट नहीं, इसको नॉर्मल अंदाज में लगाना है, ठीक है, ज्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करनी। हाँ नहीं, नॉर्मल अंदाज में रखना है, बहुत ज्यादा रगड़ने से भी स्किन जो है वो रैशेज पड़ जाते हैं, ठीक है। ये हम लगाते हैं यहाँ पर मेन आर्टरी यानी शारीरिक। अच्छा, ये यहाँ लगाना है स्पाइनल कॉर्ड पर, सर्वाइकल पर, ये मेन है, नाफ के अंदर लगाना और पल्स पे लगाना, तीन चार। इससे काम क्या होता है कि ये फौरन खून में हल हो जाते हैं, खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके ब्लड से टॉक्सिन से निकालता है, खून की नालियों को साफ करता है, बायो सर्कुलेशन बेहतरीन कर देता है, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और
जी हाँ, यानी कि ब्यूटी के साथ साथ हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहे हैं ना। ये आपके जिस्म में छुपे हुए इमराज को सर्च करता है, यानी सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है कि आपके जिस्म में कहाँ कहाँ मर्ज कोई मौजूद है, जो छुपा हुआ है, जो कल आपको आने वाले वक्त में हो गया ना, इसका ब्यूटी क्रीम सीआईडी, और वहाँ जाके उन किल करता है, अच्छा खत्म कर देता है, कैंसर ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में। जब कैंसर का मरीज को आप देखें, आप उसको कीमोथेरेपी या कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं, तो वो उस जगह से वो कैंसर के असरात को खत्म करता है, लेकिन बॉडी में ट्रेवल करता है, वो कहीं ना कहीं जाके छुपा हुआ होता है और कुछ अरसे में वो दोबारा निकलता है। तो ये मेडिसिन जो है वो बाकायदा वहाँ से उस जरासीम को, उन बैक्टेरियस को, उस इन्फेक्शन एरिए को बाकायदा खुद सर्च करके वहाँ जाके उसको ख़त्म करता है, और यूं इंसान जो है ना मुस्तकबिल में किसी भी बीमारी से महफूज। मैं पता क्या समझी थी किम साहब, मैं समझी ये ब्यूटी क्रीम है और इसको हमने अपने चेहरे पे लगाना है ना। एग्जैक्टली नहीं, ये चेहरे के लिए भी है। अच्छा, यही तो बता रहा हूँ मैं ये समझ रही हूँ ये मैजिक क्यों कहा गया। अच्छा, कि जब आप इसको फेस पे लगाएंगे तो फेस की जो है वो आपके रिंकल्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बायो सर्कुलेशन जो है, यानी बाकी इंसान बूढ़ा कब होता है, जब उसकी बारीक नसें वेन जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, या इसके ऊपर जो एक लेयर, हम तीन लेयर्स होती है हमारी स्किन पर, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर जो होती है वो बड़ी नर्म होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, और उस पे वो इंसान की जिल्द को जो है तरोताजा रखती है। पानी की मकदार जो है, जितने आप पानी को इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए ये उतना ही आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी। बिल्कुल ठीक। आप ये जो मैंने बताया है इसमें इस क्रीम का जो है ताल्लुक जो है ये टोटल हर्बल से है और सुपर हर्ब से है। ये लास्ट में क्या किंग ऑफ हर्ब्स जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई। ये क्या चीज है? ये जो है ये बहुत जबरदस्त चीज है। ओके। और ये स्किन स्प्रे है। अच्छा, ठीक है। ये बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकालता है। ये नाज़रीन जुबान के नीचे इसके एक दो स्टिप लेयर जाते हैं। अच्छा जी हाँ। ओके। और ये आपके आपके लीवर पे जाकर फौरी तौर पे फ्रेश ब्लड पैदा करना शुरू करता है। वाओ, क्या मैजिकल चीज है। अच्छा, इसको स्किन पे नहीं, जुबान के नीचे, जुबान के नीचे इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक से दो स्टिप लेते हैं हम इसमें देते हैं, और दिन में से चार से पांच बार तब आप ये लें, और इसको एक महीने के बाद ये मैजिक करें कि आपकी पूरी बॉडी जो है आपकी वाइटिंग की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो इंजेक्शन की तरफ नहीं जाए फिर? इंजेक्शन की तरफ नहीं जाए। वाह भाई वाह, बिल्कुल। मेथोथियोन जो है वो इसमें शामिल है, जो आपको इंजेक्शन के जरिए, बाहर भी इंजेक्शन लग रहे हैं दुबई वगैरह, लेकिन वो फिर उसके लिए, अच्छा उसका रिएक्शन भी है, रिएक्शन भी है ना, डर भी तो है हमें। जब उसका रिएक्शन होता है तो उसमें जो है वो कैंसर, ब्लड कैंसर वगैरह की तरफ चले जाते हैं। ये इस वक्त जो है बड़ी जबरदस्त चीज है, और ये बाकायदा ऑर्गेनिक चीज है। इस बार फिर ब्यूटी वर्कशॉप में अब ये सब चीजें लेकर आए फिर हमारी जो माशाल्लाह इतनी सारी ब्यूटिशियंस हैं उनके लिए, तो ये एक मैजिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारी ब्यूटिशियंस आती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं इन चीज की, और ये तो कुछ चीजें हैं जो मैं सारी तो पूरी रेंज तो नहीं लाया, क्योंकि फिर टेबल छोटा रह जाता है। हमारे पास नाज़रीन इसके लिए फेस वाइटनिंग जो है वो टेबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ठीक है, और सीरम है, इसके अलावा स्क्रबर जो है वो स्क्रब है जिसे डार्क सर्कल स्क्रब कहते हैं, वो है, और टोनर है, तो बड़ी रेंज है। हमने रमज़ान में, इस रमज़ान में बाकायदा तौर पर डिस्काउंट दिया हुआ था, जो अभी तक ईद पैकेज के हिसाब से डिस्काउंट चल रहा है। क्या बात है, जब अच्छा हाँ, ना लोगों के लिए आसानी। एग्जैक्टली, जो हमारा 15,000 का कोर्स है वो हम 12,000 का दे रहे हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। जो 10,000 का था वो 7,500 का है। Okay. इसी तरह जो 8,500 का कोर्स था वो उसमें हमने डिस्काउंट करके 5,500 का कर दिया। बेहतरीन हो गया बस। तो ये कोर्सेज ऐसे हैं कि जो आप एक दफा मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको खुद एहसास होगा कि आपको एक ऐसी चीज मिली है कि जो मार्केट में नहीं अवेल। ओके। जो हम सिर्फ होम डिलीवरी करते हैं, ये जितनी प्रोडक्ट है ये कहीं मार्केट में नहीं आपको मिलेंगे। नहीं, वो फिर दो नंबर ही होने लगती है ना किम साहब, आपको पता है, एग्जैक्टली दो नंबर लगता है ना, दो नंबर होती है, एक्सपायर डेट्स लोग बेचते हैं, फिर हमारा कंज्यूम, हमारा पेशेंट जो है वो डायरेक्ट हमसे रابطे में रहता है, जब हम उसको होम डिलीवर करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसके राय
जो है वो फौरी तौर पर हमें मिल जाती है। और दूसरा ये भी मालूम होता है कि अगर ये कुछ इस्तेमाल करे उससे पहले उसकी डिटेल भी मिल जाएगी ना। एग्जैक्टली पेशेंट की कोई भी उसको बिल्कुल मेडिकल स्टोर वाले तो सिर्फ सेल करने की वो रखते हैं कि उन्होंने सेल करना है, बाकी कोई एडवाइस उनके पास नहीं होती। हम ये भी चाहते हैं कि फ्रेश माल आप तक पहुँचे और हमारे बाकायदा तौर पर जो हम फॉर्मलाइजेशन हम करते हैं उसको बाकायदा तौर पर क्लाइंट्स तक वो पहुँच कर उसका बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलता है। और उससे ये भी होता है कि हमें खुशी होती है कि हमारे क्लाइंट ने व हमारे पेशेंट्स को फायदा हुआ जो है बाकायदा उसका पैसा जाया भी नहीं हुआ, जाया नहीं। और वो उसको बाकायदा हमारे रास्ते में भी रहता। और जो आपने भी एक मुझे ये जो स्प्रे वाला बताया ना जो इंजेक्शन का, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपसे इजाज़त है कि देखें जो हम लोग ऑफकोर्स ब्यूटी इनहेंस करना चाह रहे हैं लेकिन हम अपनी जान के साथ खेल तो नहीं सकते। और दिस इज अ पॉजिटिव कि ये हमारे लिए बहुत कम अमाउंट में, ये कहने का मकसद है कि जो लाखों के रुपए लग के या हज़ारों रुपए लगा के वो अपने आप को ब्यूटी एक इंजेक्शन लगवाते कि गोरे हो जाएं, वो हो तो जाते हैं लेकिन उसकी बहुत ख़ास टर्म ऑफ कंडीशंस भी होती हैं, देन फॉलो टू रूल्स कि आपको गर्मी में नहीं जाना, आप हम लोग लाइफ है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ख़ास इंस्ट्रक्शन भी दी जाती हैं। लेट्स सी, ये तो एक हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है। नंबर स्क्रीन पर हकीम साहब का मौजूद है, मैं सिर्फ एक मिनट आपसे लेना चाहूँगी जी। आपको बताना चाह रहा था स्किन के हवाले से ना कि ख़ास तौर पर मेंसेस जिन खवातीन के साइकिल ख़राब होती थी, ख़राब होता है, कब्ज़ रहती है, बिल्कुल ठीक, उनके लिए ख़ास तौर पर जो है मैंने एक ट्रीटमेंट जो है वो देता हूँ मैं, ठीक है। और उससे ये होता है कि उनका मंथली साइकिल, फीमेल फार्मूला है हमारा, ठीक है, उससे उनका मंथली साइकिल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ा, ये बड़ी इसके हार्मफुल जो है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है ना आपका मंथली साइकिल, यानी पीरियड्स आपके खवातीन खराब हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और उसकी वजूहत जो है वो कई वजूहत होती है। जब नाज़रीन आप इसमें आप मुझे ऑनलाइन कॉल करके ना अपनी बताइए सूरत हाल बताइए ताकि मैं आपको बेहतरीन एडवाइस कर सकूँगा। फीमेल फार्मूला है जो कि आपका मंथली साइकिल नॉर्मल कर देगा और उससे बहुत ज़्यादा आप, यानी साइकिल नॉर्मल ये कुदरत का एक निज़ाम है, इस सिस्टम को एक्यूरेट कर देंगे तो बहुत सारे अमराज से, बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। इसमें लेकोरिया भी, बिल्कुल हड्डियों का पानी निकलना, लेकोरिया जो होता है उसके असरात भी जिस्म पर और चेहरे पे खास तौर पर पड़ जाते हैं, आंखों के गिर्द हल्के हैं, चेहरा सता हुआ, पीला, जर्द, हड्डियों का ढांचा हो जाता है, बाज खवातीन इतनी मोटी हो जाती हैं इसी वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, तो वो भी उससे भी बुढ़ापे की तरफ आप आते हैं। कब्ज जो है वो भी बोले मिजाज है और इससे भी आपका जो है वो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। कब्ज के लिए अमूमन मैं बताता हूँ कि आप गुलकंद का इस्तेमाल करें, दूध और जौ का दलिया खाएं, और इसी तरीके से हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए सना मक्की का कहवा बना के, सना मक्की 5 ग्राम और सौंफ 10 ग्राम, इसका 3-4 कप पानी डाल के सुबह निहार आप पीजिए और शरारत सोते वक्त पीजिए तो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये इब्तदाई इनिशियल स्टेज में जो आपको अगर ये यानी कि रेगुलर ले सकते हैं जी हाँ लीजिए, और इससे आपके अच्छा कब्ज भी इससे रफा हो जाती है। अच्छा सना मक्की से। चले जी डॉक्टर साहब, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। बस एक मिनट में लेना चाहूंगी कि एंड है जरा, मायरा किचन की तरफ चलते हैं, कुछ बीच में डालना चाह रही थी भूल गई ना जी, बताइए मैं भूल गई, मैंने कहा पूछ तो लूं जी। मायरा जी, ये जो है चिकन जो थी हो गई थी, ठीक है, उसके बाद हमने ये किया कि इसके अंदर जो क्रीम थी वो थोड़ी सी डाली, ठीक है, और साथ में हमने जो ये जो कॉटेज चीज को हमने फ्राई किया हुआ था वो डाल के, और जिंजर जो था उसको डाल के जो है हमने बेसिकली दम दे दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम सर्विंग के लिए निकालेंगे और बाकी चीज़ें गार्निश करेंगे, और ऊपर से ये थोड़े से मैंने क्यूब्स बचा लिए थे वो ऊपर से डालूंगी ताकि वो नजर आए। चलो अब इसको सर्व बना लीजिएगा, एंड में हम आपको बुला लेंगे विद डिश के साथ, ठीक है मायरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलिए जी हकीम साहब, हम आपके आपका स्पेशल एक चीज़ मैं नाज़रीन बताऊँ, हकीम अस्करी साहब का जो है ब्रेक नहीं लेना बिल्कुल भी, और अपने हमने जाके देखना है कि स्पेशल इनका पैकेज है, इनकी तमाम जो वर्किंग है कैसे ये अपने हिकमत को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और इनकी सारी डिटेल मौजूद है, बहुत एफर्ट है, और ये सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं, बड़ी बात है, और ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, जो पेशेंट है जो तकलीफ में,
ये बड़ी बात है। लेट्स सी, हम इनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं, फिर हम अकीम साहब के पास दोबारा आते हैं। मसीउल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलकाए बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीउल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार विस्ट्रेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबई स्कॉलर ऑफ इंडिया। हकीम सैयद जफर याब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान अफगानिस्तान उर्दन पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमरीकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज अरबी इंडियन होम्योपैथ नेचरपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाज़रीन, हम लोगों ने स्पेशल इनके अवार्ड्स रिगार्ड्स एफर्ट्स सब चीज़ें देखी और वाकई में बहुत नॉलेजेबल हैं और आज हमारे दरमियान बड़े यहाँ पर बैठे तो हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है और नॉलेज शेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि सबको फ़ायदा हो। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि अच्छा ये जो आपने स्प्रे की बात की है, हमारी ब्यूटी में हमारी आर्टरीज यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत काउंट करता है, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि जैसे आपका जो दिल है, ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी मोटर बनाई है जो इंसान के पैदा होने से पहले ही ये धड़कना शुरू हो जाता है और इस दौरान में दिल का काम क्या है कि पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करना, ब्लड को प्योरीफाई करना। वैसे दिल के हवाले से तो बहुत सारे शायरों ने बहुत कुछ बातें की हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर दिल भी एक वाकई एक मेन जुज है जो आपको आपके को हयात बख्शता है, आपको ज़िंदगी का नाम यही है। तो जब आप नाज़रीन दिल की हवाले से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखें, फलों का इस्तेमाल रखें, सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ और आपके आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध दही का और पनीर का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखें, बैलेंस रखें, एक्सरसाइज और वॉक करें। मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि मैं आप लोगों को अपनी उम्र के इस हिस्से में वो चीज़ें दे जाऊं जो आपको आने वाले वक्त में भी आप उसको यादगार बना लें। जो नाज़रीन मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, जिनका प्रॉब्लम है, वो मुझसे मेरे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर है ये, अपनी मुझे बाकायदा रिपोर्ट सेंड करें, वॉइस मैसेज पे मुकम्मल तफसीलात बता दें और नाज़रीन फॉलो करें, क्योंकि मेरे मुझे सैकड़ों फ़ोन हज़ारों फ़ोन मैसेज और आपका मोबाइल भी बज रहा है मुस्तकिल और इस वक्त भी मुसलसल मुझे कह रहे उठा लो, मैंने कहा अभी नहीं रिसीव। अच्छा नाज़रीन, आप लोग कभी मोबाइल बज रहा है तो ये कि मेरे प्रोग्राम के बाद जो है 2 बजे के बाद आपसे रब्ता कर लेंगे, वो रब्ता करें ताकि फिर मैं आपको इजीएस्ट गुफ्तगू, क्योंकि अभी लाइव शो है, अभी तो हम गुफ्तगू करेंगे ताकि हम जैसे अभी तो मैं कराची में हूँ और कराची में मेरा जो एड्रेस है ठीक है वो आप नोट कर लीजिए। वैसे तो एड्रेस मेरा स्क्रीन पे साफ चल रहा है तो आप देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ बताने से ज्यादा अच्छा बता दे, ब्रीफ कर दे। मिलेनियम मॉल के नियरेस्ट है ना? जी हाँ, मिलेनियम मॉल के नियरेस्ट है, लासानिया होटल के पास है। ये मॉल जो है ये बड़ा मशहूर है, गुलिस्तान जौहर के जस्ट ऑपोजिट है। जी हाँ, गुलिस्तान जौहर सामने है, इधर जो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A ठीक है, ग्लैमर मॉल नज़्द लासानिया रेस्टोरेंट शॉप 28-27 और टाइमिंग मेरे शाम 4 से रात 9 बजे तक है। आजकल मैं रेगुलर बैठ रहा हूँ और कोई छुट्टी नहीं कर रहा। छुट्टी नहीं, अब किसके, अब आप खिदमत के लिए बैठे हैं तो अब क्या छुट्टी, ये तो आपकी वो है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जाहिर से मतलब लोग अपॉइंटमेंट में होते हैं और आजकल जो है ना तो हमने तमाम उस पर जो है खास
बिलखसूस हकदारों के लिए तो हमने 50% डिस्काउंट किया हुआ है, जो हकदार होते हैं, मुस्ताहिक होते हैं, जिसने कहा जाए कि डिजर्विंग पर्सन जो है उनको हम खसूसी तौर पर डिस्काउंट भी देते हैं, फीस में भी डिस्काउंट कर देते हैं, ताकि हम तक जो है जो भी पहुँचे वो फैजयाब होके जाए। अच्छा, ये लिवर की बात हम कर रहे थे तो ब्यूटी में लिवर काउंट करता है और खून बनना, जिस तरह आपके एक और प्रोडक्ट है वो है स्पेशली ग्रीन, अस्क्री ग्रीन के नाम से। आप लेकर लेकर जरूर आया करें, क्योंकि वो तमाम उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स आपने कहा डले हुए, तो वो लेके जरूर आया। जी, अस्क्री ग्रीन में तो तकरीबन समझे कि 22,000 न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। तो फिर ये तो 22,000 दुनिया का कोई ऐसा फूड सप्लीमेंट नहीं जिसमें ये मुकम्मल गजाइत मौजूद हो, और ये आपके लिए हेल्थ के हवाले से जोड़ों के दर्द, हड्डियों का प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन, इसी तरीके से नकाहत, कमजोरी, नज़र की कमजोरी, ब्रेन ब्लॉकेज ख़त्म करती है, आपकी मेमोरी को बेहतर करती है, आई साइड नॉर्मल करती है, लीवर फंक्शन में ये कि खुलियात जो है वो आपको ताज़ा खुलियात पैदा करते हैं, और खुलियात में ऑक्सीजन की मकदार बढ़ जाती है जिससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक खास हमारा जिस्म का एक फैक्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपके वो ब्लड के सेल्स जो हैं यानी उस खुलियात पैदा करती है। अगर खुलियात ताकतवर पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो जिस्म में आपकी अंदर इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आपके जिस्म में जो भी कमजोरी, हर किस्म की कमजोरी जो है वो रफा होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो शुगर कोर्स है, उस शुगर कोर्स में भी हम 90 to 120 days 3 to 4 months में 100% शुगर जो है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो यानी वो पेनक्रियास काम करना शुरू कर देता है, लीवर फंक्शन हो जाता है, और इसी तरह आपका स्टमक और स्टमक वगैरह जो है और इंस्टेटाइन का प्रॉब्लम। अच्छा, जो है ब्यूटी में जो है वो मुझे बताएं कि खाने में, जैसे भी आप बता रहे हैं ना माशाल्लाह, क्योंकि नॉलेज है तो हम चाहेंगे तिब्बे नबवी से रेलेवेंट। ब्यूटी में आपने ये तो चले हम यूज़ करते हैं, साथ साथ हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें जैसे जूस, फाइबर, जौ का दलिया, खजूर, शहद, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, ये तो मैं जो बता रहा था ना जी जी, ये मैं बता रहा था कि आपके बॉडी फिट है तो आप मुकम्मल तरीके से एनर्जेटिक हैं, ठीक है। दुनिया और में आने के बाद जो है ना आदमी ये ना समझे कि सारी जिंदगी इस दुनिया में रहना है, समझे ना, यहाँ से आपको वापस भी जाना है, चेहरे के साथ साथ आपके दिल और दिमाग का और जिस्म का हिसाब भी होगा, ये भी बता देता हूँ। लेकिन अब बात यह कि मैं आप उसकी तरफ आता हूँ कि जो आपने सवाल किया कि खूबसूरती के लिए, हुसन के लिए कौन कौन सी ऐसी गजाएं हैं जी जी, जो आप आपको सेहत, तमन्ना, तंदुरुस्त और जवान रखें। ठीक है, देखिए नाजिर, अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों का जिक्र किया, शहद, खजूर, अंजीर, जैतून, कुरान में बार बार जिक्र आ रहा है, इनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अंजीर वाकई में बड़ी फल है। जौ का दलिया रसाले तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन मशरूब तीन गजा थी, जो आप तलबीना के तौर बनाते थे। तलबीना क्या है? जिसमें खजूर, अंजीर, जैतून, बादाम, पिस्ता, अखरोट और नारियल, काजू, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी मकदार मौसम के लिहाज से, उम्र के लिहाज से बनानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। बूढ़ा है तो उसको कम इसमें चार चार दाने शुरू में दें, बच्चों को भी इसी तरीके से दें, और इसी तरह जवान है तो 6 to 7 दाने इनको इनके जो है उसमें डालें, बनाएं, मैश करें और दूध में बनाकर इसको नाश्ता और रात को खाने के तौर पर जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जूसेस हैं, जो फल हैं, रमजान में हम फल बहुत खाते हैं, रमजान में मुकम्मल गजाई हवाले से हम डेली खाते हैं। एग्जैक्टली, दूध, दही, फल, मक्खन, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये वजह है कि रमज़ान में आप बहुत सारे अमराज से भी बच जाते हैं, आपकी सेहत भी बेहतर हो जाती है। कुछ लोग रमज़ान में स्लिम स्मार्ट हो जाते हैं और कुछ लोग वजन बढ़ा लेते हैं। सही कह रहे हैं, है ना? तो रमज़ान से में कई लोगों के रमज़ान में समोसे, पकौड़े तो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पराठे भी खाते हैं। और इस बात यह है कि ये शफा का महीना जो गुजर गया है, ये
एक साल के बाद आता है और एक साल में ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, आपकी बॉडी की क्लिंजिंग करता है, बॉडी को एंटी वायरस करता है, आपके यकीन और ईमान की कैफियत को बढ़ाता है। मगर ये सिर्फ रमज़ान ही का नहीं, ये आप रमज़ान के बाद भी इसी तरीके से उन रवायत उन तौर तरीक़ों को कायम व दायम रखिए ताकि आप मुस्तकिल तौर पर आप स्मार्ट खूबसूरत और हसीन बन जाए। नंबर एक, मौसम आ रहा है फल फलों का, आम, जैसे मैंने पहले बताया, आम, अमरूद, आड़ू, तरबूज, खरबूजा, गर्मा सर्दा, समझे ना। और इसी तरीके से आपको जो है चेरी का मौसम भी आएगा, लीची का मौसम भी आएगा, हर सीजन में तो हर इस मौसम के हर मौसम की ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़्यादा कोशिश करें कि पत्तों वाली सब्जियाँ जैसे अब चौलाई, कुल्फा और पालक, ये इसमें फाइबर भी आपका जो है ये आपको सेहतमंद रखने के लिए। अच्छा, मक्को का लोग पानी भी पीते हैं? एग्जैक्टली, मक्को का पानी गैस बाती निकालता है, पानी, मक्को का अरक, अरक मक्को, अरक कासनी, सौंफ का अरक, अजवाइन, जीरा और इसी तरीके से सरसों का साग, ये बॉडी से आपके टॉक्सिन निकालते हैं, वर्म को ख़त्म करते हैं, आपकी किडनी लेवल को नॉर्मल करते हैं, यूरिन पास करते हैं, आपका पसीना जो है बेहतर हो जाता है, आपका निज़ाम हजम बेहतर। लेकिन नाज़िर, ये किसी अच्छे हकीम से आप जरूर पूछ लीजिएगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या बेहतर है। पता चले आपको किडनी प्रॉब्लम हो और उस दौरान में किडनी में आप पत्तों वाली चीज़ों को पका के नहीं खाएं, क्योंकि उसमें बारीक रेत होती है, वो और कहीं इन्फेक्शन ना कर दे। कभी कभी मुझे जैसे हुआ था इन्फेक्शन तो पालक से मुझे मना कर दिया था जी, जी, कि जी, पालक जी, में, क्योंकि वो एक पत्तों का कुछ हिसाब किताब होगा, मैं मेडिकल्स में नहीं वो कर सकती, लेकिन इन कुछ चीज़ों से फिर मना कर देते। लौकी का जूस बड़ा फायदेमंद है, एग्जैक्टली, स्किन के लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल, लौकी, घिया, तोरी, टिंडा, कद्दू, ये ऐसी चीजें हैं कि आदमी लोग नाम लेते हुए जरूर आपको फील होता है कि इतना नहीं कि करेला, टिंडे, शलजम, जो भी शलगम, लेकिन यकीन करें ये ना फायदेमंद बहुत। अच्छा, जो बच्चे नहीं इसे इस्तेमाल करते वो, और वो उनका जो है उनके लिए तो फिर हम देते हैं, जो वेजिटेरियन नहीं होते फिर उनके लिए हम अस्करी ग्रीन टेबलेट्स है हमारी। अच्छा, ठीक है, जिसमें एक टेबलेट जो है वो उसमें तकरीबन 2 किलो सब्जी की ताकत के बराबर जो है वो उसमें। चल डॉक्टर साहब, जाते जाते दे दे मैसेज, आपके पास 1 मिनट रह गया है, जल्दी से। जी जी बिल्कुल, लाजिम बात यह है कि हुसन आपका हक है और सेहत आपकी जिम्मेदारी है, आप इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। हसीन, खूबसूरत, जवान, तरोताज़ा, ताज़ा और तवाना रहने के लिए ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल, बेहतरीन सोच, अच्छी नींद और पानी का मिकदार आपकी बॉडी में बेहतर होनी चाहिए। आप माशरे में अच्छे कारकुन साबित हो सकते हैं और बेहतरीन बाप, बेहतरीन बेटा और बेहतरीन बेटी साबित हो सकते हैं। जब आप इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर देंगे तो यकीन माने ये जौहर रे ग्रा माया है, यह ऐसा जौहर है जो आपको बता रहे हैं, सेहत के राज, ज़िंदगी के राज। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको इससे भी बेहतरीन चीज़ें और भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और हसीन बनाना है। और ये आप ज़िंदगी की दहलीज से जब बाहर जाएं तो भी कामयाब हो और जब ज़िंदगी में रहें तो भी आप एक मुकम्मल शख्सियत के मालिक बने। बेशक, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट फ्राइडे को फिर इनसे मुलाकात होगी। और अजी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। नई दुआओं के साथ, नई तमन्नाओं के साथ हमेशा मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते शेफ़ मायरा का स्पेशल डिश ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।